डेली को एक तरबूज चेप दोगे? चेप दिया के दिक्कत है, गर्मी है तो भला भला चेप दिया भाई। ताना देता है गर्मी लागे तो आगे तो साधन है उरे रिपियो लागे ना। और लागे नहीं रिपियो तो कौन लागे है, लेकिन खुद की चीज ताने पे। तो अब जहाँ डेली कितो गिलास निकल जाए? डेली का 200-250 क्लास। देश का पहला अनूठा गुरुकुल, जहां पर है सभी तरह के शिक्षण सुविधाओं के साथ साथ घर जैसा माहौल। स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान समूह, जहां है स्कूल प्लस हॉस्टल प्लस कोचिंग प्लस स्पोर्ट्स एकेडमी, यानी कि आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास का पूरा इंतजाम। फॉर एडमिशन कॉल और विजिट NH52 सीकर राजस्थान। राम राम जी। जलको झुंझुनू का सगड़ा दर्शक अरुण को प्यार नमस्कार। कैमरा मैन उमेश के साथ आज आप पहुंचा हाँ झुंझुनू हेडक्वार्टर पर। और अब जो कि वह गर्मी में पड़ रही, जान को मई जून की सी गर्मी आपके बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो ये गर्मी के अंदर जो है वो किसाना की और एक जगह आपने जनता है झुंझुनू की बाकी के परेशानी हो रही है, और साथ में वह गर्मी दूर करने के लिए के उपाय कर रहे हैं, बस आप बातचीत कराँगा। तो राम राम जी। राम राम जी। तो अब गए गर्मी के लागे जून जुलाई चल रही है? अजी जून जुलाई चल रही है, थारी मेहनत मान साफ साफ दिख रही है अरुण जी। मैं थारा हर वीडियो देखा और थाने और थारी टीम ने इस चीज के लिए धन्यवाद थे, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हो। तब जाए गर्मी दूर करने के लिए जाए थे यो गन्नों को जूस हो, सबसे बढ़िया गर्मी दूर के लिए ये बढ़िया रहे, सबसे बढ़िया ये चीज है। गर्मिया का महीने सो ज्यादा गन्नो ही चाले, गन्ने की खासियत तो ठंडो कर दे एक बार शरीर ने, प्यास कौन लगे बार बार। दिन में क्या गिलास पी लो? दिन में मैं तो पड़ोसी यहाँ जना दो भी पी लिया, तीन भी पी लिया, चार भी पी लिया। और के तरीका अपनाओ जाए थे गर्मी दूर करने के लिए? और के तरीका अपनाओ थे? तरीका की तो यही है साहब, ठंडो पानी है और नींबू पानी पी लिया जल्दी। नींबू पानी तो अब सोनो को पानी हो रहे है, हो रहे तो केला आज पीने तो पड़ेगा, पीने तो पड़ेगा। 400 रुपया किलो हो रहे हैं, कोई दिक्कत को ना, इम्यूनिटी कमी हो जाएगी तो पीने तो पड़ेगा। ताको है खणो की जे नींबू पानी जे नींबू कितना महंगा हो जाओ जे पीने तो पड़ेगा। ना लिमिट का ही पिया जाए, इतना महंगा हो जाए ना नींबू भाई जी, लिमिट का ही पिए जाए, ये भाव का माइन कौन पिए जा, गन्ने का माइन मिक्स हो गया जा आपने तो। बहुत देखा मैं जलको जोनों पर खूब छाया रहो, दिन को एक वीडियो तो 100% आ जा थारो। जलको जोनों पर हर वीडियो देखोगे थे? जरूर हर वीडियो देखा, सब चोखा लागेंगे, सब चोखा बढ़िया लागे। टीम है साहब बहुत बढ़िया काम कर रही है थारी टीम, जलको जोनों की, जलको राजस्थान की, इवन बीकानेर सीकर भी देखा, चूरू भी देखा, तो अपनी जो मातृभाषा है वो खूब प्रचार कर रहे हो थे, और लोगों का मन में उत्सुकता भी है कि अब मारवाड़ी का मैन बोल के बात करता हूँ। तो गर्मी खूब पड़ रही है तो लोग जूस जास खूब पी रहा होगा? हाँ जूस तो पी रहे हैं, लेकिन अब क्या बताएं, वैसे मंदीवाड़ा भी बहुत सारा है, दो साल से कोरोना के कारण बहुत ज्यादा काम डाउन। अरे जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है मन लागे कौन तारा तो मंदी आ रही होगी? मंदी को तो असर है, लोग बाग लावणी में भी लाग रहे हैं, और कुछ बहुत महंगा ही होने कारण लोग बाग जूस पीनो भी बहुत कम चुके। बार में देखा थे बड़ी आ रहा था, धोखा रहे थे भगवान के, तो मन लागत है दो गए ही खाइए कि भाई गर्मी ज्यादा पड़ा है। अजी मैं क्या की दो खाए, मैं तो इन्नर से आया हूँ, बिन्नर से थोड़ी तो जबरदस्ती करवाओगे कि इन्नर से आया तो। ग्राहक जो है कि गर्मी दूर करने के लिए ज्यादातर जूस को ही काम में लें। हाँ जूस ही काम में लें, सबको ये खेण है कि आइसक्रीम वगैरह खाओ भी सब बढ़िया है, जूस आवा। हाँ बिल्कुल सर। गर्मी तो अब 10-12 दिन से ज्यादा ही है टेम्परेचर, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा पानी की पूर्ति हो, ठंडा वंडा है, ठंडाई भी जरूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा दुकान पे एसी लगे, ये भी आपकी इच्छा थी? बिल्कुल, ये भी है इसमें कि इसमें अंदर कूलर की व्यवस्था हो या एसी की व्यवस्था हो। तो गर्मी की यह हालत है कि सब गर्मी से परेशान है, चाहे आम जनता हो चाहे पुलिस वाला हो, सबको ये हाल है। हालांकि यह मांग है कि दुकान के अंदर जूस तो मिले ही मिला, साथ में जो हो एसी की व्यवस्था भी करे जा। तो गर्मी अब खूब पड़ रही है, तो गर्मी दूर करने के लिए क्या उपाय कर रहे हो? गर्मी दूर करवा के लिए उपाय क्यों करे जाए बताओ? जूस पी रहा हो भी एक उपाय में? हाँ बस ज़्यादा से ज़्यादा है लोगों को बचाव करे जाए, ज़्यादा ज़्यादा लिक्विड पियो जाए जैसे लू से बचाव हो सके, और अपने खान पान में पर्याप्त ध्यान दियो जाए। आजकल आप देखा है कि कई बच्चा गर्मी दूर करने के लिए जाए आइसक्रीम वगैरह भी खाए ही, तो थारों के खाना की बात चीज ज़्यादा सही रहे, फिर आप जाए कोई गन्नों को जूस वगैरह पीवा तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहे, बेहतर तो गन्ने का जूस है। थारों के मानना है कि गर्मी के मायने जाए आप फ्रीज को पानी सही रहे, फिर मटके को पानी सही रहे? मटके का पानी ठीक रहेगा उसमें। राम राम जी। राम राम भाई साहब। राम राम। तो जैसे आपके गर्मी खूब पड़ रही है तो बिक्री तो खूब हो रही होगी? हाँ बढ़िया हो रही है भाई साहब, बढ़िया एकदम। लाके सुबह शाम तो आरती भी करता लगा गर्मी खूब पड़ा था कि खूब बिक्री हो? नहीं खैर गर्मी खूब पड़ा तो बिक्री तो खूब हो, लेकिन मान भी तो गर्मी लागे ना, इतनी भी नहीं पड़नी चाहिए भाई। थाना देता है गर्मी लागे तो आगे तो साधन है उरे रिपियो लागे ना, और लागे नहीं रिपियो तो कौन लागे, लेकिन खुद की चीज थाने भाई। गर्मी खूब बढ़िया पड़ रही है, मार्केट अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत को नहीं मार्केट में फिलहाल। गर्मी के मैं रबड़ी पिला रहा हो तो यो आपने शरीर के लिए कितनी फायदेमंद है? साहब दूध है कोई नुकसान है बात को नहीं, फायदेमंद है दूध है, कस्टर्ड पाउडर डाला है, और मैं फ्लेवर के हिसाब से अलग अलग फ्लेवर है। तरबूज खा रहे हैं भाई जी, वही लेना है। तरबूज लेना है? हाँ सर।
तो डेली को एक तरबूज छेप दोगे? छेप दिया, क्या दिक्कत है, गर्मी है तो भला भला छेप दिया। आजकल तो टापे ज्यादातर गर्मिया में आइसक्रीम खाओ ही, तरबूज ले जा रहा हूँ, थोड़ी अलग ही लाग रहे मेरे काम। तो तरबूज के साथ आइसक्रीम भी लेके जाएंगे आप घर? आइसक्रीम भी लेके जाओगा, तरबूज भी लेके जाओगा है। हाँ। इस साल की भयंकर गर्मी से तारे कितनी के परेशानी हो रही है और के भी से बचने को तो उपाय कर रहे हो, तारी राय जो कि वो कमेंट बॉक्स में माना जरूर दो। वीडियो लाइक शेयर करना मत भूल जो, हमारे चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं करे हो तो जरूर कर लीजिए, कन्ने एक घंटे को निशाने पर दबा लियो ताकि हमारा आने वाला वीडियो थाना हथ मिल जाए। जलको जुनू के साथ थारो प्यार यहीं बनाए रखो।